गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का क्रम जारी है। नगर के तमाम इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सड़कों के साथ ही सैकड़ों मकान दुकान बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जहां कुछ लोग दुश्वारी के बीच मकानों में रह रहे हैं, वहीं तमाम लोग मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर शरण लिए हुए हैं। बाढ़ को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। अधिकारी लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से गंगा में बढ़ाव का सिलसिला जारी है। जिले की तमाम सड़कों के साथ ही दर्जनों गांव पानी से घिर गए हैं। सड़कों पर पानी होने से लोगों का संपर्क टूट गया है। रेवतीपुर, गहमर, करंडा, जमानिया, शेरपुर सहित जिले के तमाम तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सैकड़ों घर पानी से घिर गए हैं। बाढ़ की वजह से पशुओं के लिए चारा का संकट खड़ा हो गया है। तमाम लोग जहां पानी के बीच घरों में परेशानियों के बीच किसी तरह से रह रहे हैं, वहीं अधिकांश लोग मवेशियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर डेरा डाले हुए हैं। अधिकारी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। शहर के स्टीमर घाट, खुदाईपुरा, नखास, तुलसिया का पुल, बंधवा, शास्त्री नगर सहित जिलाधिकारी आवास परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। नगर के शमशान घाट पर भी मां गंगा का कब्जा हो गया है। शवों का अंतिम संस्कार बाहर किया जा रहा है। गंगा के प्रकोप से पीड़ितों के आंखों से आंसू छलकने लगा है। केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी हसनैन ने बताया कि आधा सेंटीमीटर प्रति घंटा से बढ़ाव जारी है। दिन में 2 बजे 64.610 दर्ज किया गया। अभी भी गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।